Dear students, good morning. Today we are going to discuss about your second chapter, and your chapter name is Working with Tables in MS Access 2013. Okay, MS Access 2013 में tables के साथ कार्य करना. In this chapter you will learn. आप इस chapter में सीखेंगे tables in Access, views of table, creating a table, entering data in table, adding records in a table. Means these are the points on which we are going to discuss in this video. In previous class we have discussed the basic concept of a database and the various objects of MS Access 2013 database. Previous class में हमने पहले ही discuss कर लिया था database का जो concept होता है वो क्या होता है और उसके various objects जो उसमें होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में discuss कर चुके हैं. ए टेबल इज़ द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ ए डाटा बेस इन विच यू एंटर डाटा. टेबल जो होता है एक बहुत बेसिक मतलब सामान्य कंपोनेंट है जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू वर्क विद टेबल्स. इस चैप्टर में आप टेबल्स के कार्य को या टेबल के साथ कार्य करना सीखेंगे. टेबल्स इन एक्सेस, एक्सेस में टेबल. ए टेबल इज़ ए डाटा बेस ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर. इट consist of row and columns. A database can have one or more tables. Table database में एक object होता है और इसका कार्य होता है कि data को एक अच्छे और साफ सुथरे manner में store करना. It consist of rows and columns. इसमें row और columns होते हैं. A database can have more than one or more than two tables. Database में एक या एक से अधिक tables हो सकते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. टेबल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेबल्स आर. टेबल के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज फील्ड और एट्रीब्यूट. द कॉलम इन ए टेबल आर नोन एज फील्ड और एट्रीब्यूट. टेबल में कॉलम फील्ड और एट्रीब्यूट के नाम से जाने जाते हैं. ए फील्ड इज ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड. और जो फील्ड होता है वो एक हिस्सा होता है रिकॉर्ड का. विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल पीस डाटा, जिसमें एक ही डाटा का एक ही पीस होता है. ए फील्ड स्टोर वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स और आइटम. फील्ड में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है आइटम्स और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड. एवरी फील्ड हैज ए डाटा टाइप डेट डिटरमाइन द डाटा ऑफ वैल्यू सॉरी डेट डिटरमाइन द टाइप ऑफ वैल्यू डेट कैन बी स्टोर्ड अंडर इट. एवरी फील्ड का जो डाटा टाइप होता है वो उसको डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार की वैल्यू उसके अंदर रखी गई है. डाटा टाइप्स आर यूज टू डिक्लेयर द फील्ड्स ऑफ ए टेबल. डाटा टाइप्स फील्ड टेबल्स को डिक्लेयर यानी कि उसको उसे बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ए डाटा टाइप डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डाटा इन इट. ठीक है, और जो डाटा टाइप क्या होता है वो ये बताता है कि इसमें किस प्रकार का डाटा है. Once the data type is defined, एक बार जो data type हो गया we cannot enter a different type of data in it. तो हम उसमें दोबारा दूसरे प्रकार का data enter नहीं कर सकते. If we are try to do, अगर हम ऐसा करेंगे an error message will displayed, और अगर ऐसा करेंगे तो एक error message हमें दिखाई देगा. Field data types, field के जो data types होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में discuss करेंगे. The various data types available in Access are described in the given table below. कह रहे हैं जो डाटा टाइप होते हैं इसमें फील्ड्स में एक्सेस में उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनके बारे में बताया गया है इस टेबल में. आप टेबल को देख सकते हैं. डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, इस टेबल का हम फोटो भेज देंगे. जिसके पास बुक नहीं है, अगर जिसके पास बुक है वो अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को पढ़ लें. ओके, जैसे इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे. सबसे पहला होता है शॉर्ट टेक्स्ट. डियर स्टूडेंट, शॉर्ट टेक्स्ट में हम मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 255 करेक्टर की होती है. मींस इस शॉर्ट टेक्स्ट के डाटा टाइप में आप मैक्सिमम 255 करेक्टर ही यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है इसमें लॉन्ग टेक्स्ट. लॉन्ग टेक्स्ट एक लेंथी टेक्स्ट होता है. मतलब इसमें आप ये जो रीडिंग देख रहे हैं 65536 यानी कि 65536 इतने करेक्टर्स इसमें स्टोर किए जा सकते हैं. ठीक है, फिर आता है नंबर्स. नंबर्स का उपयोग हम सभी जानते हैं. नंबर्स का उपयोग कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए किया जाता है. फिर होता है डेट एंड टाइम. इस डेट एंड टाइम में आप सिर्फ डेट और टाइम का ही फॉर्मेट यूज़ करते हैं.
करेंसी सभी जानते हैं करेंसी क्या होती है, जैसे रुपी हो गया, डॉलर हो गया, ठीक है, यूरो हो गया, ये सारी करेंसी होती है। तो इसके अंदर सिर्फ करेंसी ही होगी। फिर आता है आउटर नंबर। आउटर नंबर एक इंटीजर को इंक्रीमेंट, सॉरी, आउटर नंबर का मतलब है इंटीजर डेट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली। मतलब जैसे कि अगर आप एक नंबर लिखा आपने 1, उसके बाद जो इंक्रीमेंट होगा वो 2, 3, 4, 5 करके इस तरह से होगा। तो ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी नंबर होते हैं, मैथ में आपने इनको पढ़ा होगा। फिर आता है यस एंड नो। यहाँ क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ ऐसी मतलब क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं जो सिर्फ आप यस या नो में ही दे सकते हैं। फिर आता है OLE, ठीक है। OLE एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आप ग्राफिक्स, जैसे कि मान के चलिए किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स होता है, चाहे एक्सेल का हो या जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में हो, तो आप सिर्फ ग्राफिक्स वाले ही इसमें यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट्स। फिर होते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक लिंक होता है जो किसी भी नंबर पर, किसी भी वर्ड्स पर, किसी भी